जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसके बारे में कि क्या उसके अपडेट है। बहुत सारे बच्चे निराश हो रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल को लेकर भी और एसएससी जीडी को लेकर भी। तो एसएससी जीडी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, तो शायद उससे आपको कुछ मिल गया होगा आइडिया। लेकिन अगर आरपीएफ के बारे में भी बहुत सारे बच्चे निराश हो रहे हैं कि सर ये वैकेंसी मार्च में आने वाली थी, मार्च चला गया, अप्रैल आ गया, ये वैकेंसी आरपीएफ कांस्टेबल की कब आएगी, क्या इसके बारे में अपडेट है, बहुत सारे बच्चों की क्वेश्चन रहते हैं। क्योंकि जिन बच्चों की एज 23 साल से ऊपर हो गई उनको लग रहा है कि एसएससी जेडी में अगर उनको मौका नहीं मिला तो उनके पास में आरपीएफ के अलावा दूसरा कोई मौका नहीं है। दोस्तों आपको भी बताऊंगा कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपको एज 18 से 25 साल मिलती है, बाकी एसएससी जेडी के लिए जो एज का क्राइटेरिया फिक्स 18 से 23 साल है। अगर एज में रिलेशन दिया जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन जो क्राइटेरिया वो 18 से 23 साल है और आरपीएफ के लिए 18 से 25 साल, यानी जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं एसएससी जेडी में उन बच्चों को एक मौका मिल जाएगा आरपीएफ कांस्टेबल में, और वो उनकी भी यही उम्मीद रहती है। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको निराश नहीं होना है। आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में बहुत सारे बच्चे निराश हो रहे हैं कि सर ये वैकेंसी कब आने वाली थी, अभी तक ये वैकेंसी नहीं आई है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको साथ ही में बता दूं, पहले इसके आपको मैं क्राइटेरिया बता देता हूं। आप अगर इन क्राइटेरिया में फिट रहते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वैकेंसी के बारे में। तो इनके जो क्राइटेरिया में अगर आप फिट रहते हैं तो आप आरपीएफ कांस्टेबल की भी साथ में आपको निराश नहीं होना, एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल की भी तैयारी कर सकते हो। और आप 23 साल से ऊपर भी हो गए हो तो भी आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हो। लेकिन इसका जो फिजिकल का क्राइटेरिया वो थोड़ा सा टेढ़ा है, कहीं छूट भी है तो कहीं हार्ड भी है। छूट कहाँ है, छूट है इसकी हाइट में। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेमी लड़के की, लड़कियों के लिए 157 सेमी। ठीक है, एसटी कैटेगरी में 162 सेमी लड़के की, लड़कियों के लिए 152 सेमी, यानी हाइट में छूट है। क्योंकि एसएससी जीडी में जो हाइट का क्राइटेरिया है उसमें 170 सेमी चाहिए, लेकिन आरपीएफ में 165 सेमी ही चाहिए, तो हाइट में छूट है। इसके अलावा जो चेस्ट मेजरमेंट है वो सेम एसएससी जीडी की तरह 80 से 85 होना चाहिए आपका, लड़कियों का होता नहीं। लड़कों का और जो एसटी कैटेगरी के हैं उनके 77 से 82 होना चाहिए चेस्ट मेजरमेंट, यानी 5 सेमी का फुलाव होना ही चाहिए। लड़कियों और लड़कों दोनों में कम से कम जो वेट है 40 kg वेट होना चाहिए लड़कियों का और कम से कम 45 kg वेट होना चाहिए लड़कों का। साथ में जो इसकी रनिंग होती है वो थोड़ी सी टफ पड़ती है, टफ कैसे पड़ती है, 1600 मीटर की रनिंग आपको 5 मिनट 45 मिनट के समय में, 45 सेकंड के समय में करनी होती है दोस्तों। वहीं एसएससी जीडी में 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, तो इसमें आपको 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड, लेकिन वो 5 मिनट 45 सेकंड आपको बिल्कुल प्रॉपर मिलेंगे। आर्मी की दौड़ की तरह नहीं होते हैं कि 100, 200, 300 दौड़ाते हैं, बिल्कुल बेच वाइज दौड़ाते हैं 50, 100, 140, 140 kg से बना के। ठीक है, तो यानी 5 मिनट 45 सेकंड का आपको पूरा समय दिया जाएगा। लड़कियों के लिए 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट 30 सेकंड का समय होता है, यानी थोड़ा सा जो इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा हार्ड है। इसके अलावा इसमें होता है लॉन्ग जंप और हाई जंप। लड़कों के लिए लॉन्ग जंप होता है 14 फीट, हाई जंप होता है 4 फीट। लड़कियों के लिए लॉन्ग जंप होता है 9 फीट, हाई जंप होता है 3 फीट। दोस्तों बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर हमसे अप जंप नहीं होता या लॉन्ग जंप नहीं होता, तो बेटा घर पर बैठे बैठे तो नहीं होगा आपसे, क्या किसी से नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश करिए, आप गारंटी है मेरी 20 दिन आप कोशिश करिए और थोड़ा सा अपना वेट कम करिए। अगर आपका वेट ज़्यादा तो आप लॉन्ग जंप लंबा नहीं कर पाओगे, नहीं हाइट जंप कर पाओगे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपना वेट कम करना होगा, थोड़ा सा शरीर तोड़ना होगा। उसके लिए आपको क्या करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करनी है और खाने को थोड़ा सा कम करना है, रोटी ये चीज़ें थोड़ी सी कम कम करनी है, थोड़ी सी डाइट में, और शाम की डाइट थोड़ी कम करनी है। इसकी बजाय ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो और भी जैसे चीज़ें हैं वो काम में ले सकते हो, जैसे फल फ्रूट और भी खा सकते हो, सब्जी भी खा सकते हो, वेजिटेबल्स भी, लेकिन आपको थोड़ी आपकी डाइट कम करनी है, वेट कम करना, तो अपने आप लॉन्ग जंप और हाई जंप होने लग जाएगा दोस्तों। तो ये इसका फिजिकल क्राइटेरिया थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ये आपको पार करने पड़ेगा आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, थोड़ा सा टेढ़ा फिजिकल क्राइटेरिया। अब बात करते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में अगर बात करें दोस्तों, आप सभी को पता है सेम एसएससी जीडी और इसके सिलेबस में थोड़ा सा फ़र्क है कि इसमें हिंदी नहीं आती, बाकी 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 35 मैथ के और 50 क्वेश्चन जीके के, यानी इसमें केवल क्या नहीं आती, हिंदी नहीं आती, बाकी सेम ही है। और पेपर का पैटर्न भी मतलब एसएससी जीडी से रिलेटेड ही है, माइनस मार्किंग इसमें ज़रूर होती है। अब बात करें इस वैकेंसी के बारे में दोस्तों, जरूर ये मार्च की वैकेंसी थी, मार्च में आनी थी, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति की वजह से जैसे एसएससी जीडी की पोस्टपोन हुई वैसे ही ये पोस्टपोन चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैकेंसी होगी नहीं, वैकेंसी 100% होगी दोस्तों। 2021 में इसके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे और 2021 में ही ये वैकेंसी कंडक्ट होगी, मैं आपको बता दूं। लॉकडाउन की अब स्थिति इससे ज़्यादा कुछ बिगड़ नहीं सकती, जितनी बिगड़नी थी वो बिगड़ गई है, अब सुधार चल रहा है लॉकडाउन में और कोरोना में भी, तो दिन ब दिन सुधार हो जाएगा, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपको टेंशन नहीं लेना। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं आपको लॉकडाउन का भी फ़ायदा उठाना है, आपको घर पर हर चीज़ मिल रही है, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो, ऑनलाइन बुक कर सकते हो, सब चीज़ें तो आपके पास में सुविधा है, घर पे बैठ के आप पढ़ाई करिए। ठीक है, तो अच्छे से आप पढ़ाई करिए, बहुत ही दिल लगा के पढ़ाई करिए, ताकि क्या हो आपका
काम बन जाए इस बार, SSC GD या RPF दोनों में से किसी न किसी में आपका काम 100% बन जाए। दोस्तों लॉकडाउन से आपको नहीं डरना, आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी मेहनत करनी है। आपने अगर बढ़िया से तैयारी कर लेना तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो RPF कॉन्स्टेबल के बारे में भी आपको चिंतित ना हो, क्योंकि SSC GD की जो SSC की साइड है उस पर तो नोटिस आ जाता है, RPF के लिए इन पर नोटिस नहीं आते हैं, इनकी वैकेंसी की सीधी नोटिफिकेशन ही आती है। तो नोटिफिकेशन पक्का आ जाएगी 100%, इसी साल में एग्ज़ाम होंगे। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वैकेंसी नहीं आ रही सर, मार्च है, अप्रैल चल गया, अप्रैल चले चाहे मई, आपकी वैकेंसी 2021 में होगी, इसके लिए चिंता ना करें। नोटिफिकेशन आपको SSC GD के आसपास इसकी भी देखने को मिल सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर थोड़ा सा भी देश में लॉकडाउन की स्थिति और सुधार जाएगा तो पक्की इसकी नोटिफिकेशन उसी दिन आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये क्राइटेरिया, आप इसमें फिट बैठते हो तो तैयारी में जान डाल के रखिए। दोस्तों जय।